और अब बात बंगाल की। बंगाल की बल्लोरघाट सीट पर बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार चुनाव मैदान में हैं। वहां पर उनका मुकाबला टीएमसी के विप्लव देव के साथ है। 2019 में सुकांत मुजुमदार वहां से सांसद चुने गए थे। फिलहाल वहां की जनता क्या कह रही है, आइए आपको बल्लोरघाट से रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया टीवी की लगातार कवरेज जारी है। हम लोग इस वक्त है बालूरघाट में। बालूरघाट में जो वोटर्स है उनसे बात करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? मुन्ना यासिन जी। आप क्या काम करते हो? हम व्यवसाय करते हैं, रजायत सबका। किस मुद्दे पे आप वोट दिए हो आज? किस मुद्दे पे? ताकि सब कोई शांति से रह सके और सब सामान का दाम कम है। अच्छा। लोग का जीना आसान हो, तकलीफ ना हो, ये सब के मुद्दे पर वोट दिए। क्या माहौल है देश का? देश का माहौल खूब बढ़िया नहीं है। देश का माहौल बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर आगे हो जाए आशा करके वोट दिए हम लोग। क्या सोच के वोट कर रहे हो? वोट किया जाए अच्छा सा रहेगा, दाम सामान कम है, दाम यही चाहते हम लोग। और क्या? अच्छा, देश का माहौल कैसे देख रहे हो? देश का माहौल तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, गैस का दाम कम किया जाए। और आप एक महिला होने के नाते आप क्या, आपका सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा के विषय में इतना ही कहा जाए कि महिलाओं को आजादी दी जाए कि वो सब जगह जा सके। सरकार से बस अभी तो जॉब के लिए सभी लोग ये कर रहे हैं, तो जॉब के लिए कुछ करे, कुछ मतलब जो युवा पीढ़ी है उनको जॉब मिल सके। यंग वंस के लिए मतलब जॉब्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम बहुत सारे मतलब मेहनत करके एग्जाम्स दे रहे हैं बट वो क्लेरिफिकेशन हो भी रहा है तो मतलब लाइक वो जॉब किसी को उतना मिल नहीं रहा है। और मतलब वही सबको एडुकेशन तो मिल रही है पर एडुकेशन के थ्रू जो उनका फल है वो उनको मिलना चाहिए, बस यही।